वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम नाइन्थ क्लास के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, सर्ड एंड इंडाइसिस। इंडाइसिस के जो फॉर्मूलेज हैं उसी को हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर कहते हैं, राइट। जैसे कि हम बात करें अगर ए रेज टू एम इंटू बी रेज ए रेज टू एन, यानी ए को हम ए रेज टू एम अगर हम लिखते हैं तो ए को हम बेस कहते हैं, राइट, और एम को हम एक्सपोनेंट कहते हैं या फिर पावर कहते हैं, राइट। अगर बेस सेम हो एंड पावर डिफरेंट हो और बीच में मल्टीपल का साइन हो तो पावर का प्लस हो जाता है, ए रेज टू एम प्लस एन। इसी तरह से अगर हमें दिया गया हो ए रेज टू एम और ए रेज टू एन और इनके बीच में जो रिलेशन है वो डिवीजन का हो तो माइनस हो जाता है। ए इंटू बी ऑफ होल रेज टू एम, तो ये जो पावर है ये जितने भी नंबर्स होंगे या हम ऐसा कह सकते हैं ब्रैकेट में जितने भी मेंबर्स होंगे या मल्टीपल्स नंबर्स होंगे उन सब पे पावर आ जाएगा, तो ए रेज टू एम एंड बी रेज टू एम। इसी तरह से अगर हमें दिया गया हो ए रेज टू एम ऑफ रेज टू एन, पावर ऑफ पावर, राइट, तो दैट मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। पावर ऑफ पावर हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, दैट मीन्स हो गया ए रेज टू एम मल्टीपल एन। इसी तरह से हमें अगर डिवीजन में दिया गया हो, जैसे मल्टीपल में दिया गया था इसी तरह से डिवीजन में भी है कि ए अपॉन बी रेज टू एम इज ए रेज टू एम अपॉन बी रेज टू एम। ए रेज टू जीरो इज वन, किसी भी कोई भी नंबर से उसका पावर अगर जीरो है तो वो उसकी वैल्यू ऑलवेज वन होती है। अब कभी कभी हमें माइनस में दिया गया होता है पावर, उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ए रेज टू माइनस एन, इसको अगर हम सिंप्लीफिकेशन करें ए रेज टू एन का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, वन अपॉन ए एन, राइट। तो ए एन का हम रेसिप्रोकल लेंगे तो जो माइनस टर्म है वो अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा। अब इसी तरह से हम सर्ड का भी फाइंड कर सकते हैं। हम सर्ड किसको कहते हैं कि जो रूट में हमें नंबर दिया गया है उनको हम सर्ड्स कहते हैं। जैसे हमें यहाँ पे दिया गया रूट्स ए इंटू बी, तो ये ए पर भी रूट है और बी पर भी रूट है, तो इसे हम सिंपली इसे अलग अलग कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें दिया गया हो ए अपॉन बी ऑफ ऑल रूट्स, सो ए रूट ए अपॉन रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, अगर यहाँ पे हम चेक करें तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाए, कौन सी आइडेंटिटी हम अप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट है, दैट मीन्स रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमें फाइन हो जाएगा ए माइनस बी। इसी तरह से अगर माइनस और प्लस गिवेन हो और किसी एक पे रूट नहीं हो तो भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी, तो हमारा आंसर फाइन हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी। इसी तरह से अगर हमें डिफरेंट रूट्स दिए गए और सेट्स दिए गए और उनका मल्टीप्लिकेशन करना हो तो रूट ए इंटू रूट सी, रूट ए इंटू रूट डी, रूट बी इंटू रूट सी एंड रूट बी इंटू रूट डी, इस तरह से हमें फाइन हो जाएगा आंसर। अगर हमें वॉल दिया गया हो रूट ए प्लस रूट बी ऑफ वॉल स्क्वायर, तो हम यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, बट यहाँ पे रूट गिवेन है इसलिए यहाँ पे ए हो जाएगा ये प्लस टू रूट ए इंटू बी प्लस बी। इसी तरह से अगर हमें एंथ रूट दिया गया हो तो एंथ रूट मीन्स होता है ए ऑफ पावर वन अपॉन एन, यहाँ पे जैसे फोर दिया गया हो तो यहाँ पे वन अपॉन फोर हो जाएगा, यहाँ पे थ्री गिवेन हो तो यहाँ पे वन अपॉन थ्री हो जाएगा। इस तरह से हम इंडाइसिस और सर्ड का फॉर्मूला याद रखेंगे और फिर हम इसे इसका यूज हम एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज है 1.5। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। हमें बताना है यहाँ पे कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो फर्स्ट हम नंबर जो भी दिया गया होगा उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई अगर नहीं होता है तो डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे, अदरवाइज पहले हम सिंप्लीफाई करके उसके बाद में हम आंसर फाइंड करेंगे। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 2 माइनस रूट 5, तो इसे सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता है, दैट मीन्स इसमें डायरेक्ट हमें फॉर्मूला लिखना है, रूट फाइव इज ए इरेशनल नंबर, और कोई भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन हो तो उसमें वो इरेशनल नंबर ही होता है।
तो इसका आंसर आ गया इरेशनल नंबर। इसी तरह से हम 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 करते हैं, तो यहाँ पे रूट 23 प्ले एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर हमें फाइंड होगा 3, जिससे हमें पता चलता है कि ये रेशनल नंबर है। इसी तरह से 2/7 रूट 7 इज कैंसल आउट, सो 2/7 इज ए आंसर, सो 2/7 इज ए रेशनल नंबर। इसी तरह से अगर हम फाइंड करें तो हमें क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 में भी गिवन है 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर, इसे प्रूव करो। सो 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर, सो 1/√2 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। 2π कहीं पर भी आपको दिया गया हो तो डायरेक्ट तो आपको लिखना है इरेशनल नंबर, वहाँ पे कुछ सोचना ही नहीं पाई जहाँ पे, क्योंकि पाई की वैल्यू हमें परफेक्ट नहीं। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि सर 22/7 होता है, तो 22/7 इज ए अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, नॉट ए परफेक्ट वैल्यू ऑफ पाई। सो इफ पाई हमें कहीं पर भी गिवन हो तो हम डायरेक्ट वहाँ पे इरेशनल नंबर लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई हमें करना है, दैट मीन्स जो भी हमें ऑपरेशन दिया गया होगा मल्टीपल डिवीजन प्लस माइनस जो भी दिया गया उसके अकॉर्डिंग में हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे हम लेते हैं 3+√3, 2+√2, तो यहाँ पे हम जैसे a प्लस बी और b प्लस सी, अगर हमें प्लस मल्टीप्लिकेशन करना हो तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड ब्रेकेट एंड सेकेंड टर्म एंड सेकेंड ब्रेकेट, राइट। सो 3 × 2 = 6, 3 × √2 प्लस 3√3 × 2 इज 2√3 एंड 3 × √3 × 2 इज √6, राइट। सो दिस इज √6, सो आंसर इज 6+√3√2+2√3+√6, राइट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज 3+√3 एंड 3 − √3, हियर इज वन टाइम प्लस एंड वन टाइम माइनस, सो a+b a − b। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a² − b² का, तो 3² − √3², सो 3² = 9 एंड √3² = 3, सो 9 − 3 = 6। नाउ नेक्स्ट इज √5+√2 ऑफ वॉल स्क्वायर। वॉल स्क्वायर गिवेन है, दैट मीन्स हमें a+b² का फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या है फॉर्मूला, a² + 2ab + b², सो √5² + 2√5 × √2+√2², √5² = 5, 2 × √10 एंड प्लस 2, सो 5+2 = 7 एंड प्लस 2√10। सेम एज क्वेश्चन नंबर हमें 4 सॉल्व करना है, √5 − √2 एंड √5+√2, तो यहाँ पर भी हमें वन टाइम माइनस गिवन है, वन टाइम प्लस गिवन है एंड सेम नंबर दिस, सो a − b a + b = a² − b², सो √5² − √2², सो 5 − 2 = 3। तो इस तरह से हमें आइडेंटिटीज का यूज करके इसे सॉल्व करना है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज रिकॉल पाई इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ सर्कुमफेरेंस सी ऑफ ए सर्कल ऑफ इट्स डायमीटर से डी, दैट इज π = c/d। दिस सीम टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज ए इरेशनल, हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम सर्क्यूमफेरेंस सी ले और डायमीटर को डी ले, तो सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल के फॉर्मूले पर से हमें पाई की वैल्यू फाइन होता है c/d, राइट, जो हमें बताता है कि हाँ ये आपका जो पाई की वैल्यू है वो अपॉन में वो फ्रैक्शन में आ रहा है, p/q फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पे ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि अभी हमने बात की कि पाई इज ए इरेशनल नंबर। अगर यहाँ पे अगर हम इसके अकॉर्डिंग में जाए तो यहाँ पे हमें p/q फॉर्म में आ गया है, तो p/q फॉर्म इज ए रेशनल नंबर, राइट। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, क्योंकि जो भी हम सर्क्यूमफेरेंस हम लेते हैं, जैसे सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल में हम जो पाई का यूज करते हैं वो अप्रोक्सीमेट होता है, वो परफेक्ट वैल्यू नहीं होता है।
सो पाई कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंट एज द कोशेंट ऑफ द टू रेशनल नंबर। यहाँ पे जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू पुट कर रहे हैं, एकदम कन्फर्म वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं। देयर फॉर पाई इज ए इरेशनल नंबर, सो पाई इरेशनल नंबर ही होगा। ये कॉन्ट्राडिक्शन है, यहाँ पे ये रॉन्ग दिया गया है, ये राइट नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर फोर है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, ये प्रोसेस थोड़ा बड़ा है तो ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट इज वन अपॉन रूट सेवन। अगर हम रूट सेवन को हमें रेशनलाइज करना है, दैट मीन्स हमें कोई नंबर में पुट करना है इसे वैल्यू, रूट ना हो तो हम इसी नंबर से इसको मल्टीपल कर देंगे। अब ये रूट रूल है कि अगर हम डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीपल करते हैं तो नोमिनेटर को भी हमें किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे हम रूट सेवन और रूट सेवन डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में कर देते हैं, जिसे हमें फाइंड हो गया वन इंटू रूट सेवन इज रूट सेवन एंड रूट सेवन इज सेवन, सो डिनोमिनेटर इज रेशनलाइज। सेकेंड क्वेश्चन इज वन अपॉन रूट सेवन माइनस रूट सिक्स। रूट सेवन एंड माइनस सिक्स, जब भी यहाँ पे माइनस दिया गया होगा तो हम इसके कॉन्जुगेट नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे यहाँ पे माइनस कॉन्जुगेट, हम किसको कहते हैं कि जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस से करेंगे। तो यहाँ पे माइनस है इसलिए हम इसे प्लस से मल्टीपल कर देंगे, नोमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। तो यहाँ पे हमें ये फाइंड हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, जिससे हम इसका स्क्वायर करते हैं तो सेवन माइनस सिक्स, तो सेवन माइनस सिक्स इज वन, सो वन इज ए रेशनल नंबर। इसी तरह से हम थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, वन अपॉन रूट फाइव प्लस रूट टू। तो इसमें भी हम, यहाँ पे प्लस है इसलिए हम माइनस से मल्टीपल करेंगे, तो जिससे हमें फाइंड हो जाएगा ए माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, सो फाइव माइनस टू, बिकॉज रूट फाइव स्क्वायर इज फाइव एंड रूट टू स्क्वायर इज टू, सो फाइव माइनस टू इज थ्री। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वन अपॉन रूट सेवन माइनस टू, सो वन अपॉन रूट सेवन माइनस टू। अब इसमें हमें माइनस दिया गया है तो अगर हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीपल करते तो कॉन्जुगेट होगा रूट सेवन प्लस टू, रूट सेवन प्लस टू, राइट। अब इसमें हम सेम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो सेवन माइनस फोर, सो सेवन माइनस फोर इज थ्री। तो इस तरह से हमें कोई भी क्वेश्चन दिया गया और रेशनलाइज करने को बोला गया तो हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सिंगल नंबर होगा तो सिंगल नंबर को ही हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा, अदरवाइज हमें टू टर्म्स में दिया गया तो हम वहाँ पे प्लस और माइनस देखेंगे और उसके कंजुगेट से उसे मल्टीपल कर देंगे, नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को, और उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। जो क्वेश्चन नंबर फोर है उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, उसमें कैसे कि वो कंस्ट्रक्शन पार्ट है तो इसलिए मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। धन्यवाद, थैंक यू।